हैलो एवरीवन, टुडे अपने को कुछ अजे वर्ड ने जिन्हां नूं तुसीं अपनी लैंग्वेज दे विच चाहे इंग्लिश ना बोलो यूज़ करके अपनी परसनैलिटी नूं काफ़ी डिवेलप कर सकते हो। सो आपां कई बार देखिया है कि इन्हां वर्ड्स का बहुत ज़्यादा जो एडवांस लोग होंदे ने यूज़ करते हैं तो आपां नूं लगता है उन्हां नूं बहुत ज़्यादा इंग्लिश आउंदी है। सो तुसीं भी इन्हां वर्ड्स का अपनी लाइफ दे विच यूज़ करके अपनी परसनैलिटी डिवेलप कर सकते हो। एक काफ़ी ईजी वर्ड ने, जरूरी नहीं तुसी इंग्लिश बोलो, अपनी लैंग्वेज जेकर तुसी बोल रहे हो कोई भी तुहाडी भाषा है उहदे विच इन्हां दा यूज़ करो तो काफ़ी इफेक्ट पैंदा है। सामने वाला समझदा है कि इन्हां नूं पता नहीं किन्नी कु इंग्लिश आउंदी है। सो आपां देख लैंदे आ इंपोर्टेंट वर्ड किहड़े ने एंड किस तरह तुसी यूज़ करने ने अपनी स्पोकन दे विच, अपनी लैंग्वेज दे विच। आपां देख लैंदे आ कम, जिस तरह अपने को फस्ट वर्ड है इनफैक्ट। इनफैक्ट दा आपां पॉजिटिव दे विच यूज़ करांगे। इनफैक्ट आई एम गोइंग, इनफैक्ट आई एम सिंगिंग। इनफैक्ट का पंजाबी मीनिंग होएगा असल में या फिर असल विच, असल में या फिर असल विच। आप कई बार जिंदगी विच कहते हैं असल विच मैं जा रहा सी, असल विच मैं सोच रहा सी, असल विच मैं कार खरीद रहा हाँ। सो आप इहदा यूज़ करके अपनी लैंग्वेज नूं काफ़ी डिवेलप कर सकते हैं। एंड नैक्सट है अपने को एक्चुअली। एक्चुअली का आप यूज़ करांगे नैगेटिव दे विच, इहदा भी पंजाबी मीनिंग होएगा असल में या फिर असल विच। पंजाबी विच आप की कहांगे असल विच, इहदा आप नैगेटिव दे लई यूज़ करांगे। एक्चुअली आई एम नॉट गोइंग, एक्चुअली आई एम नॉट सिंगिंग, एक्चुअली आई कुड नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ सकिया। सो इहदा यूज आप नैगेटिव सेंटेंस लई करांगे एक्चुअली का। सो इनफैक्ट का यूज आप करांगे पॉजिटिवली एंड एक्चुअली का करांगे नैगेटिवली। आई थिंक तुसी समझ गए होगे। आप नैक्सट चलते हैं मे बी। मे बी भी आप काफ़ी बार सुनिया है, कई बार एजुकेटेड लोग अपनी लैंग्वेज के बोलते हैं मे बी। मे बी, मे बी का पंजाबी मीनिंग की होएगा शायद हो सकता है, शायद हो सकता है। ओके एंड नैक्सट है परहेज। परहेज का मतलब होएगा शायद। सो इन्ना को डिफरेंट है इन्हें, आप जो तो परहेज का यूज़ करांगे ये आप अपने तो वड्डे जिद्दां बॉस या फिर कोई एल्डर है अपने तो या फिर स्कूल दे विच प्रिंसीपल किसी भी अपने तो वड्डे नाल आप गल कर रहे हैं तो उहदे विच आप परहेज का यूज़ करांगे। सो जो मे बी है यदा यूज़ आप अपने फ्रेंड्स नाल अपने दोस्तों नाल कर सकते हैं। सो यदा आप करांगे जदों कोई भी अपने सामने एल्डर होएगा। सो नैक्सट है अपने को 5 नंबर एट लीस्ट। यदा पंजाबी मीनिंग होएगा कम से कम, कम से कम या फिर कुल मिलाकर। आप कहते हैं कुल मिलाकर, घट तो घट। ओके आप यूज़ करांगे एटलीस्ट, कम से कम, कुल मिलाकर। नैक्सट है अपने को सचे। सचे का पंजाबी मीनिंग होएगा वाकई, वाकई, वाकई। आप कई बार कहते हैं वाकई वो एक टीचर है, वाकई वो एक सिंगर है। सो आप सेंटेंस के अगे सच लगा के अगे आप सेंटेंस बना देवे सचे हीज सिंगर, वाकई वो सिंगर है। नैक्सट है अपने को हेयर वी आर। हेयर वी आर का पंजाबी मीनिंग होएगा लो हम आ गए, या फिर पंजाबी कह सकते हो लो असी आ गए, लो हम आ गए, हेयर वी आर। 8 नंबर है अपने को हाउ अबाउट दिस। यदा पंजाबी मीनिंग होएगा ए किवें रहेगा, ए किवें रहेगा। ओके सपोज करो आप कोई मोबाइल न्यू खरीदया जो आप कोई शर्ट लीए, आप अपने फ्रेंड्स को पूछ रहे हैं हाउ अबाउट दिस भी ये किवें रहेगा मेरे लिए जो मैं खरीदया है, जब आप खरीदने टाइम अपने फ्रेंड्स को पूछते हैं ये ड्रेस मेरे लिए किवें रहेगी, हाउ अबाउट दिस। नैक्सट है अपने को 9 आई विश। आई विश का पंजाबी मीनिंग होएगा काश। आप कई बार अपनी लैंग्वेज के कहते हैं काश मैं टीचर होंदा, काश मैं जा सकता, काश मैं पढ़ सकता। सो आप किहदा यूज़ करांगे आई विश। सो तुसीं इन्हां इंपोर्टेंट वर्ड का शॉर्ट लै सकते हो। एक बार तुहानूं फिर रिपीट करके दस दईए, फस्ट है अपने को इनफैक्ट, इहदा आप पॉजिटिव सेंटेंस के लिए यूज़ करांगे असल में या असल विच। एंड सैकेंड है अपने को एक्चुअली, इहदा आप नैगेटिव सेंटेंस लिए यूज़ करांगे असल में या असल विच। एंड 3 नंबर है अपने को मे बी। मे बी का पंजाबी मीनिंग होएगा शायद हो सकता है। एंड 4 है अपने को परहेज। परहेज का पंजाबी मीनिंग होएगा शायद। सो इहदा यूज आप अपने तो वड्डे के सामने करांगे जो अपने विच
जो अपने तो सीनियर होएगा एंड फाइव अपने को एटलीस्ट एटलीस्ट कम से कम कुल मिलाकर सिक्स है अपने को सच्चे वाकई एंड सेवन अपने को हेयर वी आर लो हम आ गए एट है अपने को हाउ अबाउट दिस एक के में रहेगा नाइन है अपने को आई विश काश। हाँ जी अज के इंपोर्टेंट वर्ड तुहानू काफ़ी पसंद आए होंगे सो इसलिए वीडियो में वो शेयर करो ताकि हर एक स्टूडेंट तक साड़ी वीडियो पहुँच सके वो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में या अपनी माँ बोली लैंग्वेज में इंप्रूव कर सके इन्ह वर्ड्स की हैल्प नाल। सो आप मिलते हैं नैक्सट वीडियो टिल दैन टेक केयर बाय।